वी हैव सबलिंगुअल और एंड द बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबलिंगुअल मतलब अंडर द टंग एंड बकल रूट मीन्स बिटवीन द चिक्स एंड द गम्स. इसमें क्या होता है, जब टंग्स है तो उसके नीचे हम ड्रग्स को प्लेस करते हैं, तो वो लिंगुअल वेन से एब्जॉर्ब होके डायरेक्ट SBC सुपरवेना कावा में जाता है एंड देन टू द हार्ट. इट बाईपासेस द हार्ट GIT कंडीशन. उसके बाद इट बाईपासेस द लीवर, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बाईपास करेगा और इससे रैपिड एब्जॉर्प्शन भी होगा क्योंकि ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में जा रहा है. इसका एग्जाम्पल है अपना नाइट्रेट, जिसको हम NTG और GTN भी बोलते हैं. तो नाइट्रोग्लिसरीन ये एक्यूट एंजाइना एंड MI के लिए यूज होता है. वी ऑल नो एक्यूट एंजाइना एंड MI अटैक्स आर वेरी सीरियस कंडीशंस एंड इमिडिएटली रेस्पॉन्स करना रहता है. तो नाइट्रेट टेबलेट्स आर टेकन सबलिंगुअली, तो वो जल्दी अपना इफेक्ट शो कर देगा. एंड लेस कॉमन एग्जाम्पल इज बुप्रिनॉर्फिन. तो रेक्टल रूट में क्या होता है, रेक्टल सपोजिटरीज यूज होता है. तो जो ड्रग हम रेक्टम में प्लेस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल ह्यूमरॉइडल वेन से एब्जॉर्ब होगा और दिस एब्जॉर्ब ड्रग इसका 50% बाईपास करता है लीवर को और 50% बाईपास नहीं करता है. तो इससे क्या होता है कि 50% बाईपासिंग हो रहा है. उसके बाद अगर इंटरनल हिमोरॉइडल वेन से अगर ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसमें बाईपास नहीं होता है. तो इससे ये पता चलता है कि जो रेक्टल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लोअर है, उसके बाद इरेगुलर है और ये अनप्रेडिक्टेबल है. तो चिल्ड्रन में लाइक वी यूज रेक्टल डाइजेपाम फॉर फिब्राइल सीजर्स. इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिब्राइल सीजर्स, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड वी ऑल्सो हैव रेक्टल पैरासिटामोल सपोजिटरीज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटरल रूट्स. देन अभी आते हैं पर एंटरल रूट्स में. पर एंटरल मीन्स अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, नॉट इन्वॉल्विंग GIT. तो इसमें द मोस्ट पॉपुलर इज इंट्रावेनस IV. तो हम सब जानते हैं IV मतलब इंजेक्टिंग इन टू द वेन्स डायरेक्टली. तो ये तो मोस्ट कॉमन पेरेंटरल मोड है ही. तो ये चॉइस इन इमरजेंसी एंड सर्जरी, इमरजेंसी कंडीशन, सर्जरी, ये सब में पेशेंट अनकॉन्सियस, इन सब में हम IV मोड यूज कर सकते हैं. टू वेज ऑफ IV इंजेक्शन इज देयर, दैट इज IV बोलस एंड IV इन्फ्यूजन. IV बोलस मीन्स इन बल्क आप इंजेक्ट कर रहे हो ड्रग को और वो क्विक एक्शन दिखाएगा. IV इन्फ्यूजन मतलब यू आर गिविंग द ड्रग इन इन्फ्यूज फॉर्म, मीन्स धीरे धीरे ड्रिप के जैसा वो स्लोली ओवर द आवर्स अपना इफेक्ट शो करेगा. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट IV मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% है. इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, जो ड्रग हम दे रहे हैं वो इंजेक्ट होता है वन ऑफ द बिग मसल्स में, जैसे कि अपना डेल्टॉइड, बाइसेप्स और ग्लूटियस मैक्सिमस. और ये स्लोयर है लेकिन इसका दो मोड ऑफ दो तरीका है देने का, एक एक्वस सोल्यूशन में और एक डिपो प्रिपेरेशन में. एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि ड्रग जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं मसल्स में वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको हम बल्क में दे रहे हैं. और इन डिपो प्रिपरेशन में क्या होता है, वो स्लोली रिलीज होगा और एब्जॉर्ब स्लोली और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ये एक्ट करेगा. देन वी हैव इंट्राडर्मल ID. इंट्राडर्मल में क्या होता है, ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन. तो ये मोस्टली सेंसिटिविटी टेस्टिंग या डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ये सब में यूज होता है, जैसे कि BCG वैक्सीन के लिए. उसके बाद अपना एलर्जी का टेस्टिंग, इन सब में इंट्राडर्मल मोड इज प्रीफर. देन वी हैव सबक्यूटेनियस मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हियर द ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू द सबक्यूटेनियस लेयर. द एब्जॉर्प्शन इज बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड स्लोअर देन IM इंट्रामस्कुलर रूट. एंड ये कॉन्स्टेंट स्लो और सस्टेन इफेक्ट देता है. ट्रांसडर्मल में क्या होता है, द ड्रग इज अप्लाइड ऑन द स्किन, ओवर द स्किन एज ट्रांसडर्मल पैचेस. एक जैसे पैच, कोई बैंडेज टाइप का, कोई जैसे पैच जैसा वो स्किन के ऊपर अप्लाइड होगा और धीरे धीरे वो इन्फ्यूज होकर स्किन से पेनिट्रेट होकर अंदर जाएगा. और इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये क्रॉनिक डिजीजेस में यूज हो सकता है ओवर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली वो इफेक्ट दिखाएगा. और दिस ट्रांसडर्मल रूट प्रोवाइड्स कॉन्स्टेंट, कॉन्सिस्टेंट एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ
द ड्रग कंसंट्रेशन। साइट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है ट्रांसडर्मल पैचेस का, वो है पोस्ट ऑरिकुलर और मास्टर रीजन, देन स्क्रोटम एंड देन फेस एंड नेक। उसके बाद जो लीस्ट एब्जॉर्प्शन साइट है वो है पाम्स एंड सोल्स। तो इसमें आता है निकोटीन पैच फॉर स्मोकर्स, देन उसके बाद वी हैव द नाइट्रेट पैच, वी हैव फेंटनिल पैचेस एंड ऑल्सो एस्ट्राडॉल पैचेस। लास्ट टॉपिक है नेसल एंड इनहेलेशनल रूट्स। तो इसमें जो वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसका प्रॉब्लम है पेशेंट्स में, उनके लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्टली द साइट ऑफ एक्शन ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड, एंड इसका एग्जाम्पल है जनरल एनेस्थेटिक्स। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स।